हेलो दोस्तों, फेसबुक लाइव में आप लोगों को खबर ले रही है। मैं बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार। आज हम रामनगर क्षेत्र के गुनो ग्राम पंचायत में खड़े हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मोतीलाल का घर था, और इस समय आप तो जान रहे हैं कि इस समय फसल कट के कुछ लोगों के घर में भी आ चुकी है। तो उनके घर में कल 24 तारीख को लगभग 12 बजे आग लगी है, और आग थिमी नहीं है, और पूरा उनका घर का सामान था, जो पैसे रुपए थे, पूरे जल के राख हो गए। मगर शासन प्रशासन को फोन भी लगाए, मगर अभी तक कोई देखने तक नहीं आया। ना उनके पास कुछ भी घर नहीं है, ना उनके सरकारी कोई व्यवस्था मिली। आइए हम लोगों से बात कराते हैं कि उनकी किस तरह की स्थिति है और किस तरह की सरकारी मदद लेना चाहती हैं। दादी का नाम है शिवली। कब कैसे पता चला कि आपके घर में आग लग गई? अब आग लग गया ही जो तो मरा इंगे उंगे से दौड़ लगावा, तो फिर हम दौड़ा जाओ खेती बारी से लौटे लागे कि यार कसा था, तो सबको दौड़ लगावा है। उस समय आप कहाँ थी? खेतन बारी में कोई काटा थे, कोई कतो है कतो, कोई काटा थे कि बस खेत में फसल समेट रहे हैं बेटवा। हाँ, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? अब बेर रहा है, सरसों है, अच्छा सा ददवा तो झाला है, और नाला था, खटिया मचिया, और नाग फिर बाबा के पारा समेत काम में पारा का नहीं रह गई, तो कल फिर लाइन एक जन भूमि एक जन वो में पाए रह गया, वह खटिया लगा से लाइन पे सब बर जार गई, खटिया मचिया कुछ नहीं रह गया बेटवा। एक एक पल का या पुलिस वाले कोई आया यहाँ पे या बुझाने वाली ये पानी? बोर हुआ उठे बोर है, वो बोर से फिर पानी चला है, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो बोर से फिर बम्बी बिछुआ के फिर बम्बिन से फिर पानी, फिर चार घंटा पानी चला, तो आग बुझानी नहीं, आग बुझात ना, बोर ना चलत, आग ना बुझात, या कहा पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ जात। पता चला कैसे लगी आग? अब बेटवा तो पता नहीं है कि कसत लाग गए, को रहा को रहा तो है नहीं है, अब टटिया टूटिया लाइके चाय गावा कि अब दुपहर के अभी तो बनाइबे खाइबे, दुपहर के कब तब आपका तो को गोरु लाइके चाय गाओ का, तो को कतो काटे चाय गाओ को कतो कतो बेटवा पुता हुआ पालक भी लगे वहां पटा के चाय गई, हम वहां पचाए गाओ हाले यही तो हम बाटे रहा बेटा, सब लोग जितना गाँव घोसा सबको बटा रहा है। अब ये तीन दिन इकट्ठा हुआ, नुकसान हुआ दादी के? अब नुकसान बेटवा सरसों है, लहिला है, और दुई बोरी तो लहिला है, एक बोरी अरसी है, दुई बोरी सरसों है, चार बोरी बेर्रा है, और चार छठ झाला चौवन का भूसा धा रही हूँ, वो भूसा रहा चार पांच तो झाला है, पानी का गिरती में नहीं रहा बेटवा, का गिनाओ सब गिरती में रहा, जितना मोटे आ रहा है ऐसा धूपी माँ देख लिया बार समेत गई सगले गल का पारे है नहीं हाथन में मोहे में सब झाँस गई है। अब ऐचा त्राइयो बाचा कुछ नहीं, मोह लाग गया था फिर अब बाबा गिर गई, तो माँ बेटवा जल्दी जल्दी बुझाई थी, फिर लड़का जा रहा है गोड़े मोहन नहीं चल पावता है। प्रधान आए देखने? हाँ आए हैं, हाँ आए बोले हैं, अब लिख पढ़ तो लगी है, अब देखो अब नेकपाल का बोला नहीं, तो नेकपाल फोन तो किए नहीं, कहे नहीं कि आई था, अब आए नहीं आए, अब जहाँ अटके हुए भैया आप आइए। क्या नाम भैया?
मारा राम राजकरण। तो दादी के आप कौन हैं? लड़के हैं। लड़के हैं। तो आप उस समय कहाँ थे जब आग लगी घर में? खेत में थे, काट रहे थे। तो फिर कैसी जानकारी? अब जानकारी ऐसे, अब जैसे कोई आसपास में है तो देखा सुना तो हल्ला गुल्ला किया, तब यहीं पास में हम भी थे तो सुने तो फिर भागे वहाँ से, धुआं हो रहा था काफी, फिर भागे, आते आते यहाँ पे सब हो ही चुका था। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ आपका? अब लगभग तो यहाँ पे नुकसान तो जो था 20-25 हजार का नुकसान तो है ही है हमारा। गल्ला भी रखा था, गल्ला पानी जो भी था, अर्तन बर्तन जो भी था सब कुछ यहीं पड़ा था, कपड़ा ओढ़ना और 3-4 हजार रुपए नगद भी रखे थे, सब ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत 20-25 हजार का तो नुकसान हमारा है। सूचना दिए हैं यार कागते ने, पर लेकिन कोई फोन को स्वीकार ही नहीं कर रहा था, फोन ही नहीं मुके किसी को उठे हैं। आग बुझाने वाली मशीन को वो भी नहीं फोन उठा, रिसीव हुआ उसका। क्या लगता है कि सरकार तो व्यवस्था करती है, टाइम पे पहुंच नहीं पाते? पता नहीं, फोन तो सबको किए, जो यहाँ आया जिसके पास नंबर था वो सब फोन किए, पर लेकिन फोन का हमारा कोई जवाब नहीं मिला हम लोग को। प्रधान जी का कल फोन लगा है, उसका भी फोन मौके में नहीं लगा, फिर बाद में लगा है, फिर जब सुने हो फिर आए हैं। जैसा आप कितने घंटा में कहाँ से आप पानी लाए, कहाँ से बुझाए? पानी बोर वो नजदीक में है, वहाँ से पाइप लाइन बिछाए, पाइप से फिर यहाँ पानी चालू किए, फिर करीबन 2.5-3 घंटे पानी चालू हुआ, जब जाके आग बुझी है, नहीं आग बुझ नहीं रही थी, तभी जल रहा था पूरा यहाँ। जैसे यहाँ पानी वो नहीं होता तो फिर कैसे आपके? फिर अब क्या करते, जो मशीन भी नहीं आ पाती फिर क्या करते, बस वही या तो और कहीं आग बढ़ जाती या तो फिर बाल्टी बाल्टी से नल से व्यवस्था कर करके डालते। जो फसल खड़ी है जो आसपास के घर वो भी तो बढ़ जाते, वो तो फिर सब जाता, सब मतलब सब मौजूद थे, सब आ रहे थे, कोई बाल्टी में कोई डिब्बा में जैसे जैसे बर्तन है सब पानी ले लेके आ रहे थे, पर वो पानी वो अपना काबू नहीं कर रहा था, इतनी तेज आग थी कि यहाँ कोई आ ही नहीं पा नहीं रहा था, यहाँ कोई आ नहीं रहा था आग को। नेकपाल को फोन लगाया गया, फोन ही नहीं रिसीव किए, उनसे बात ही नहीं हो पाई, अब प्रधान जी से बात हुई है तो कह रहे हैं कि आएंगे, दोपहर तक अभी तक नहीं आए। क्या नाम है? प्रेमा। प्रेमा देवी। हाँ। कैसे आग लगी? अब बहन जी हम नहीं जानते हैं कैसे लगी, हम नहीं रहे हैं। कहाँ थे? हाँ कहाँ रहे तो देखा तो हम आवाला ले बाल्टी में पानी वानी, आज हम रहते जा रहे जोर कहा। क्या लोग रह रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे दाई बाबा भी रहते हो गया। क्या क्या सामान था, कितने सालों से रह रहे हैं? 3-4 साल से रहता है। पूरा घर गिरी, लगा के दाना पानी लगा के कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो हमारा 50-60 हजार का हुआ है। अब यहाँ गृहस्थी में का नहीं लगा था, दाना पानी भी धारा है यहाँ, वहाँ जल गया वो सब सब गोरुन के खा कर वहाँ जल गया। नहीं तो कैसे फिर अब होगा आगे चल के, कैसे दाई बाबा खाएंगे? इसके लिए आवास आवास के लिए प्रधान कुछ कहा? अब हम तो प्रधान भी दम नहीं रही हूँ घर में, मैं घर चली गई रही हूँ खाना बना रही। इस समय गर्मी शुरू हुई और आग लगना शुरू हो गया, लोगों का घर तो जल जाता है, जो मेहनत मजदूरी से लोग अपना घर व्यवस्था करते हैं, मगर सरकार की तरफ से मुआवजा तो मिलता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है, मगर ऐसे भरपाई नहीं हो पाती। अब देख सकते हैं कि किस तरह का, एक भी कुछ नहीं बचा, पूरा जल के राख हो गया। यहाँ पे आसपास फसल भी थी और यहाँ की बोर की मदद से घर आग बुताई गई, मगर घर तो नहीं रहे, जो आसपास की फसलें हैं वो बच गई है, नहीं कैसे लोगों का घर चलता। क्या नाम भैया? मेरा नाम पीताम्बर लाल। तो आप पड़ोसी हैं? मेरा भाई है। भाई है। तो जैसे आग लगा आओ यहाँ पे कोई मशीन बुझाने वाली नहीं आई, तो आप लोग कब फोन लगाए उन्हें आना चाहिए?
उनको देखिए आना चाहिए, प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रशासन मौके पे नहीं पहुंचता। और हम यहाँ नहीं थे, मैं भी अभी आया हूँ, मैं करबी में रहता हूँ और अभी तक कोई आया नहीं है। वही चीज़ अभी जानकारी जब हुई है तभी मैं आया हूँ, यहाँ देखने आया हूँ कि यहाँ क्या कैसे क्या समस्या हुई है। तो अब ये प्रशासन को आना चाहिए, लेखपाल को आना चाहिए। तो लेखपाल तो ऐसा आदमी है कि वो जल्दी सुनने वाला नहीं है किसी का, अलबाज हैं जो कागज लेखपाल, वो किसी को सुनते नहीं जल्दी और ना वो आए हैं। जब यहाँ पे आसपास बोर ना होता, आग न थम पाती, तो फिर यहाँ पे कितना नुकसान होता लोगों का? यहाँ नुकसान तो बगल में आप देख ही रहे हैं कि ये खेती कटी पड़ी है, ये आपकी खेती में भी यदि एक भी तिनका चला जाता उधर तो ये खेती देखिए 2-3-4-5 बीघा की पड़ी है यहीं बगल में, तो ये सब जल जाता। और यदि प्रशासन को किया जाता, प्रशासन का भी जल्दी मौके में नहीं पहुँचता। जब सब घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद ही प्रशासन पहुंचता है। इसके लिए आप कंप्लेन या कुछ किए? अभी तक किसी कोई कंप्लेन नहीं किया गया है भाई। अब इनसे जो चीजें राय ली जाएगी, ये जो चाहेंगे उस तरह से कंप्लेन की जाएगी। अब आया हूँ मैं भी, अभी आया हूँ, थोड़ी सी जस्ट आपके आगे आगे आया हूँ मैं भी, तो अभी मैं आया हूँ। तो अब ये जानकारी हुई है, अब कौन आया कौन नहीं आया इसके बारे में भी सब जगह देखिए करेंगे हम कार्रवाई। कितना नुकसान हुआ अब इनका? यदि समथिंग 25-30 हजार का नुकसान तो है, क्योंकि इनके नकदी जब 2,500-3,000 रुपया यहाँ नकदी रखे हुए थे भाई, यहीं रहते ही हैं ये लोग, इनका पूरा घर ही समझिए का खाते नहीं, गांव हुआ घर में तो बहुत कम जाते हैं, खाना भी यहीं बनाते थे, यहीं खाते थे, यहीं रहते थे ये लोग। तो सब इनका डेरा जितना भी है खाने पीने का सब कुछ यहाँ इनका रखा हुआ था। तो सरकार की तरफ से इनको आवास नहीं मिली थी? नहीं, कोई आवास नहीं मिला हुआ है, इनका खपराइल मकान बना हुआ है वहाँ। आप देख सकते हैं कि ये घर तो पूरा जल के राख हो गए, यहाँ पे पेड़ भी है नीम का, वो पूरा जल गया है। और जो आसपास वाले हाई फसल है कटी पड़ी है गेहूं के, तो आग तो थम गई है, मगर ये जल जाती तो लोगों को काफी नुकसान होता। और जो आगे लोग व्यवस्था करते हैं खाने के लिए, वो कैसे हो पाता? शासन प्रशासन मौके पे लोगों की शिकायत है कि नहीं पहुंच पाते। मैं अपना लाइफ यहीं से समाप्त करती हूं।